तो दोस्तों आज का ये वीडियो होने वाला है पोस्टल साथियों के लिए, जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप पोस्ट ऑफिस में NEFT के सहारे पोस्ट ऑफिस से बैंक में पैसे भेज सकते हो बाय यूजिंग फिनाकल। तो आइए फिनाकल में किस मेन्यू में हमें जाना है और किस तरह से ऑपरेशन को करना है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो चलिए लॉग इन कर लेते हैं फिनाकल पे, और फिनाकल पे लॉग इन करने के बाद ये वाला जो सॉल्यूशन ऑप्शन आप देख रहे हो, जिसको हम फिनकोर सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे अभी आपको सिलेक्ट करना है NEFT/RTGS। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको मेन्यू शॉर्टकट में जाके मेन्यू टाइप करना है HPORDM। तो ये मेन्यू टाइप करने के बाद आपको ये वाला स्क्रीन दिखेगा। फंक्शन में आपको ऐड करना है और पेमेंट प्रोडक्ट पे आपको सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट करना है कस्टमर ट्रांसफर, फिर कर दीजिए गो। फिर ऐसा कुछ एक स्क्रीन आपके सामने खुल के आ जाएगा, जहां पे आपको जो ये रेमिटेंस डिटेल्स है ना, यहाँ पे बहुत सारे टैब आ जाएंगे, तो आपको बाकी सारे टैब्स में नहीं जाना है। जो पेमेंट ऑर्डर का जो पहला टैब है, इसी में हमें आज का ये ऑपरेशन करना है। तो यहाँ पे जो डेबिट अकाउंट है, यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस का अकाउंट नंबर डाल देना है, क्योंकि आप पोस्ट ऑफिस से बैंक में पैसे भेज रहे हो, तो डेबिट अकाउंट जो होगा वो आपका पोस्ट ऑफिस का अकाउंट होगा। जैसे ही आप इसको डाल देते हो, तो बाकी जितना भी फील्ड है, जैसे पार्टी का नाम, और यहाँ पे नीचे देखिए चार्जिंग अकाउंट भी जो है वहाँ नीचे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। चार्जिंग अकाउंट है मतलब जिस अकाउंट से GST चार्ज किया जाएगा। तो आप देखिए इंस्ट्रूमेंट कोड में आपको दो चीज़ें दिख जाएंगे, CHQ फॉर चेक एंड विड्रॉल स्लिप। तो क्योंकि मैंने विड्रॉल स्लिप लिया है, तो मैं विड्रॉल स्लिप सेलेक्ट करूँगा, चेक भी आप ले सकते हो। फिर आपको यहाँ पे डाल देना है अमाउंट, कितना अमाउंट आप भेजना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये डालने के बाद आप नीचे भी देख सकते हो, पेमेंट CCI अमाउंट में भी 1,00,000 रुपया आ जाता है। फिर आपको थोड़ा सा नीचे आना है, ये रेमिटेंस डिटेल्स में इतना ही डिटेल्स आपको फिलअप करना है। फिर नीचे जब आप आओगे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा बेनिफिशियरी कस्टमर। ये जो बेनिफिशियरी कस्टमर वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको कुछ कुछ फिलअप करना है। तो यहाँ पे जो अकाउंट आईडी है, जिस अकाउंट में आप पैसे भेजने वाले हो, जो बैंक की अकाउंट होगी, वो बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डालना है। तो चलिए मैं बैंक का अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। मैंने बैंक का अकाउंट नंबर डाल दिया, और फिर साथ ही साथ यहाँ पे उनका नाम भी लिख देना है, पार्टी का नाम जिसको पैसे मिलने वाले हैं। तो मैंने इनका नाम यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद आपको यहाँ पे IFSC कोड नहीं डालना है, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस भर लेना है। एड्रेस लाइन में आप कुछ डाल सकते हो, ऑप्शनल है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डाल लेना। फिर ये जो वाला ऑप्शन है अकाउंट विथ इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे जो IFSC कोड आपको दिखेगा, जो IFSC कोड वाला ऑप्शन है, आपको यहाँ पे IFSC डालना है, ना कि आपको ऊपर वाले ऑप्शन में बेनिफिशियरी वाला जो ऑप्शन है वहाँ नहीं डालना है, यहाँ आपको डालना है। तो आप जैसे ही आप अपना IFSC कोड डालते हो, तो मैंने अपना IFSC कोड यहाँ का डाल दिया, मतलब जहाँ पे पैसे जाएंगे जिस बैंक में। डालने के साथ साथ आपको यहाँ पे ब्रांच का कोड और यहाँ पे बैंक का कोड यहाँ पे दिख जाएगा, ये ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाता है। फिर आपको आना है अगले ऑप्शन पे, जो है क्रेडिट डिटेल्स। क्रेडिट डिटेल्स में जाके, हाँ क्रेडिट डिटेल्स में जाके आपको मेथड ऑफ पेमेंट है ना, वहाँ पे आपको सर्चर में क्लिक करना है। सर्चर में क्लिक करके आपको सिलेक्ट कर लेना है NEFT। NEFT क्लिक करके जैसे ही आप यहाँ पे ये जो फेच वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करते हो, तो देखिए ये कॉरेस्पॉन्डेंस BIC, कॉरेस्पॉन्डेंस बैंक कोड, ये सारा कुछ ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आइए फिर से नीचे आ जाते हैं इसको। हाँ ये देखिए यहाँ पे आपको कॉरेस्पॉन्डेंट BIC, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक कोड एंड क्रेडिट अकाउंट आईडी, ये सारा कुछ यहाँ पे रिफ्लेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये आप ठीक से देखने के बाद फिर आपको थोड़ा सा नीचे आना, और यहाँ पे जो है व्यू चार्जेस, यहाँ पे आपको चार्जेस देख लेना है, क्योंकि आपको आपको अगर पता होगा कि मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग अगर आप यूज़ करते हो, तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते। लेकिन अगर आप पोस्ट ऑफिस में आके NEFT की सेवा लेते हो, तो आपको एक चार्जेस देना पड़ता है। तो जैसे कि 1,00,000 रुपये का और उसके ऊपर का है, तो फिर 5 रुपये का आपको एक चार्ज लगेगा, और उसके ऊपर में 18% का GST भी है। सो फॉर दैट इट विल बी लाइक 5.9 रुपीज़, कि 5 रुपये के ऊपर 18% का GST, ठीक है। सो ये बायफर्केट होके आ गया। फिर आपको कर देना है सबमिट। तो सबमिट करने के बाद वही वाला पेज फिर से आपको रिफ्लेक्ट होगा जो पेमेंट ऑर्डर वाला था। फिर आपको नीचे एकदम आ जाना है और आपको फाइनल कर देना है सबमिट। फिर से मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप फिर से एक बार गो थ्रू कर लो अपने पूरे पेज को। पूरे पेज में आप फिर से एक बार अपनी नज़रें फिरा लो कि आपने कुछ गलत तो नहीं डाला, फिर आप कर दीजिए फाइनली सबमिट।
तो जैसे ही आप सबमिट करते हो तो आपको एक पेमेंट ऑर्डर नंबर जनरेट होगा। तो जैसे आप देख सकते हो पेमेंट ऑर्डर आईडी जनरेट हो चुका है 7x01519। ये जो नंबर है ये आप जो आपने पार्टी से अगर आपने कुछ विड्रॉल स्लिप या चेक लिया है तो वहाँ पे आप नोट डाउन कर लो, और साथ ही साथ जो आपने NEFT मैंडेट फॉर्म उनसे फिलअप करवाया है उसमें भी आप ये पेमेंट ऑर्डर आईडी लिख लो फॉर रेफरेंस। फिर इसी पेमेंट आईडी को हम लोग जो है सुपर से मतलब सुपरवाइजर के आईडी से हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो चलिए मैं सुपरवाइजर के आईडी पे आ गया, और अब मैं वही मेन्यू दोबारा से लगाने वाला हूँ HPORDM। फिर यहाँ पे फंक्शन होगा हमारा वेरीफाई, मैंने आपको फिर से ये दिखा दिया HPORDM। तो यहाँ पे अभी आपको फंक्शन में आना है वेरीफाई, फिर जो पेमेंट ऑर्डर आईडी था मेरा 7x01519 इसे मुझे यहाँ पे टाइप कर देना। ओके, देन आई विल क्लिक ऑन गो, गो कर देता हूँ। फिर ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा, कुछ नहीं, जो डिटेल्स आपने आपके काउंटर आईडी ने भराया है वो सारा कुछ यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। देयर इज नथिंग, अलग से कुछ नहीं आएगा, बस इतना ही है। फिर आपको कर देना है फाइनल सबमिट, चेक कर लीजिए सुपरवाइजर अपना चेक करके इसे कर देगा सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा वेरीफाइड सक्सेसफुली, और एक UTR नंबर जनरेट हो जाएगा। तो देख सकते हो 16 डिजिट का ये UTR नंबर जनरेट हो चुका है, आपका पैसा प्रोसेस हो चुका है। अब कस्टमर को मोबाइल में भी मैसेज आ जाएगा, और हाँ DOP से जो पैसा कटा है उनके अकाउंट से उसका भी एक उनको मैसेज मिल जाएगा। तो ऐसे करते हैं NEFT। तो मान लीजिए अगर आप HACLI मेनू में जाके उस अकाउंट को इंक्वायरी करते हो और उस अकाउंट में आप देखना चाहते हो कि आपने जो ट्रांजैक्शन किया वो सक्सेसफुली हुआ कि नहीं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और मैं अगर यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ डेट वाले ऑप्शन पे, तो उसका डिटेल्स भी निकल के आ जाएगा किसने ये ट्रांजेक्शन किया है, किसने वेरीफाई किया है, ट्रांजेक्शन के पार्टिकुलर्स क्या हैं। रिमार्क्स में आपको वहाँ का UTR नंबर मिल जाएगा, फिर इसमें देखिए रिमार्क्स जो नंबर 6 है इसका मतलब ये प्रोसेस में हो चुका है, फिर कौन से अकाउंट से पैसा कटा है, ये सारा डिटेल्स है ना आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इससे भी आप यहाँ पे पेमेंट ऑर्डर भी दिख जाता है, तो ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप रेफरेंस के लिए देखना चाहो तो यहाँ से भी आप देख सकते हो। और ये देखिए यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर में SB7 बता रहा है, इसका मतलब हमने विड्रॉल फॉर्म लिया है, और चेक होगा तो यहाँ पे चेक का नंबर आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको एक विड्रॉल फॉर्म लेना है, और ये है NEFT का मैंडेट फॉर्म जो कि मैंने फिलअप करवा लिया था पार्टी से, और आपको ये पूरा ऑप्शन फिलअप करना है विद रेड इंक। अगर आप चाहो तो ब्लू से भी कर सकते हो, मैंने रेड से किया। और ये साथ ही साथ आप एक प्रूफ ले लेना बैंक का, बैंक उनका अकाउंट का, तो ये मैंने ले लिया उनका पासबुक। दैट्स इट। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने चैनल पोस्ट कार्ड के साथ इसी तरीके से जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग पोस्ट कार्ड, एंड स्टे सेफ। जय हिंद।